हेलो टीम, आज हम लोग देखेंगे कि कस्टमर अपना वेबसाइट से कैसे करके रूपी वन या जस्ट वन का बुकिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसा रूपी वन हम लोगों को सिर्फ वन ऑन ट्रिप में ही मिलने वाला है, तो इसमें मैं जा रहा हूँ कोई भी एक रूट में, जैसा ऊपर में दिख रहा है मुंबई पुणे दिल्ली आगरा बेंगलोर मैसूर और दिल्ली जयपुर का ऑप्शन डाला हुआ है। तो यहाँ पर कहीं से भी मैं क्लिक करूँगा तो मेरा वो वाला पेज में राउट हो जाएगा जो प्रोडक्ट का नाम है मेरा सिर्फ वन या जस्ट वन। तो यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करके मैं नीचे जाऊँगा तो यहाँ पे मेरा बेसिक इंस्ट्रक्शन डाला हुआ है कि ये कस्टमर चाहे तो किसी भी टाइम में पढ़ सकता है। इसमें सेम जेंडर पैसेंजर ट्रैवल होगा, इसमें अगर कोई मेल कैंडिडेट बुक करता है तो मेल के साथ हम लोग बाकी पैसेंजर्स मेल ही मैचअप करवाएंगे, और फीमेल अगर बुक करता है तो इनिशियल स्टेज में तो फीमेल के साथ ही मैचअप होगा। यहाँ पे कस्टमर का पहला जो कंडीशंस रहेगा कि कस्टमर अपना डेट एंड टाइम से गाड़ी बुक नहीं कर सकता है। यहाँ पे हम लोगों का कुछ स्पेसिफिक डेट एंड टाइम रहेगा जिसमें से कस्टमर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा डाला हुआ है स्पेसिफिक डेट, उसको सिलेक्ट करेंगे तो मुझे टाइम दिखेगा। इसमें और एक चीज़ है, जो मेरा डेट और पिकअप टाइम डाला हुआ रहेगा उसी पिकअप डेट एंड टाइम से 48 आवर्स पहले मेरा सेलिंग विंडो चालू होगा और 8 आवर्स पहले जाके वो सेलिंग विंडो क्लोज हो जाएगा। तो जैसे मेरा, मैं देख सकता हूँ कि 14 तारीख को अगर मुझे एक बुकिंग क्रिएट करना है तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे दिखाएगा कि मेरा कौन सा रूट में चल रहा है। ये आइडियली वीकली या तो हाफ मंथली में जाके ये मेरा रूट चेंजेस होते रहेगा 15 डेज के बाद बाद या 7 डेज के बाद बाद। तो इसमें अभी जैसा मुझे दिख रहा है कि सीट अवेलेबल बुक नाउ, मतलब इसका मेरा सेल अभी चल रहा है। मुंबई टू पुणे नीचे में है, पुणे टू मुंबई, दिल्ली टू आगरा, आगरा टू दिल्ली, बेंगलोर टू मैसूर, मैसूर टू बेंगलुरु, दिल्ली टू जयपुर एंड जयपुर टू दिल्ली। तो इसमें मेरा अभी सेल चल रहा है इसीलिए सीट अवेलेबल बोल के दिखा रहा है। अभी मैं थोड़ा सा डेट चेंज करके 17 तारीख पहुँच जाता हूँ। तो 17 तारीख में जाके मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि द रूट्स आर नॉट येट डिसाइडेड, प्लीज़ चेक एंड बैक सून। तो यहाँ पे मुझे सजेशन डालना पड़ेगा कि कौन सा डेट में मैं कौन सा सिटी में मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ। तो ये सजेशन का तौर पे कस्टमर चाहे तो यहाँ पे डाल सकता है। मैं देख लेता हूँ कि 15 तारीख को सिलेक्ट करने से क्या होता है। 15 तारीख में मेरा सीट अभी तक अवेलेबल दिखा रहा है। 16 तारीख में जाके क्या हो सकता है, 16 तारीख में मेरा अभी तक सेल स्टार्ट नहीं हुआ है, इसके लिए मुझे दिखा रहा है कि सेल स्टार्ट होगा 14 तारीख से जाके सेल स्टार्ट होगा। तो इस हिसाब से मेरा यहाँ पे बुकिंग चलेगा। अभी बुकिंग कैसे करके कस्टमर को क्रिएट करना पड़ेगा, 14 तारीख को मैंने सिलेक्ट किया जहाँ पे मेरा बुकिंग अभी अवेलेबल है, बेंगलुरु टू मैसूर में मैं बुकिंग बुक नाउ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे फेसबुक वेरीफाई करना पड़ेगा जो मैंडेट है। तो यहाँ पे मैंने मैंडेट है तो मैंने क्लिक कर दिया। इसमें अभी मेरा चल रहा है फेसबुक वेरीफिकेशन, होके मेरा ये वापस आ गया। यहाँ पे मुझे दिखा रहा है हेलो और नो, मतलब मेरा फेसबुक वेरीफाई होके आ गया है, सिस्टम वेरीफाई कर लिया है। मैं फिर से क्लिक करूँगा बुक नाउ पे, जैसे ही क्लिक करने हुआ मेरा यहाँ पे दिखाएगा मेरा वेरीफिकेशन होके आ गया है ये सब चीज़ें, तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा। उसके पहले एक बार देख लूँगा कि शेयर है सीडन में वन वे रूट में ही है, 14 दिसंबर का है, 8 एम में पिकअप होगा, बेंगलोर टू मैसूर का 150 किलोमीटर कंटिन्यू होगा। जैसे ही कंटिन्यू करूँगा तो मेरा यहाँ पे फेयर दिखा देगा कि कस्टमर को सिर्फ 1 रुपया पे करना पड़ेगा जो मेरा बेस फेयर है, और यहाँ पे उसका पेमेंट मोड रहेगा, इस हिसाब से कस्टमर को पे करना पड़ेगा। जैसे ही वो प्रोसीड करेगा तो उसका पेमेंट लिंक एंड डिटेल्स उसको मिल जाएगा, फिर उसको पोस्टल कोड डाल के पे इन फुल करके वो प्रोसीड करेगा, आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस करके ही प्रोसेस करेगा तो उसमें उसको डिटेल्स मिल जाएगा। अभी मैं एक चीज़ देख लेता हूँ कि ये यहाँ पे जैसे मेरा 1 रुपया वाला का केसेस दिखा रहा था, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करके दूसरा एक बुकिंग दूसरा एक डेट में चला जाता हूँ, देखता हूँ उसमें क्या दिखाता है। कोई भी एक डेट सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने जाके 14 तारीख सिलेक्ट किया करके फिर मैंने देख रहा हूँ दिल्ली टू आगरा, यहाँ पे मेरा वेरिफिकेशन ऑलरेडी किया हुआ है, कंटिन्यू करूँगा। शायद मुझे यहाँ पे फिर से वेरीफाई करना पड़ेगा, देख लेता हूँ। जैसे ही मेरा यहाँ पे है तो फेसबुकिंग
मैं जा रहा हूँ 14 तारीख को, कौन सा डे ये है, अगला लॉग इन विथ फेसबुक, ये वेरिफिकेशन चल रहा है मेरा, वेरीफाई होके आ गया, फिर मैंने डाल दिया बुक नाउ पे डेली अगड़ा करके, मैं जैसे ही कंटिन्यू करूँगा तो यहाँ पे मेरा आ जाना चाहिए डिटेल्स। तो यहाँ पे जैसा मेरा दिख रहा है, पहले मैं सिर्फ बेस फेयर 1 रुपी पे करने से ही कस्टमर को हो जाता था, यहाँ पे कस्टमर को बेस फेयर के साथ साथ टोल टैक्स अदर टैक्सेस भी पे करना पड़ेगा जिसका फुल पेमेंट अमाउंट रहेगा 33। तो ऐसा करके कस्टमर चाहे तो अपना पोस्टल एड्रेस, पोस्टल कोड और पे इन फुल करके वो पे कर सकता है। आई एग्री टू गोजो टर्म्स एंड कंडीशन करके वो जैसे ही प्रोसीड करेगा तो इसमें उसका पेमेंट हो जाएगा। तो ऐसे करके कस्टमर चाहे तो हम लोगों का जो बुकिंग प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, हम लोग भी हम लोगों की तरफ से कस्टमर को गाइड कर सकते हैं, तो करके कस्टमर का पेमेंट कंप्लीट करवाएंगे। इसमें ऐसा है, मेरा एक कस्टमर भी अगर पूरा गाड़ी में बुकिंग हो रहा है तो मैं फिर भी कस्टमर को सर्विस दूंगा। एक कस्टमर के लिए एक लगेज अलॉट रहेगा जो मेरा बैकपैक अलॉट होगा, और मेरा पिकअप होगा एक स्पॉट से पिकअप होगा, ये कोई होम एड्रेस से पिकअप नहीं होगा इसका। तो ये है मेरा बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस, और साथ में मेरा बुकिंग प्रोसेस कैसे कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, शायद ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। इसे यूज़ कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को गाइड करके बुकिंग क्रिएट करवाइए ताकि कंपनी का आगे जाके फ़ायदा हो। थैंक यू टीम।